ଅଲମ୍ପିକରେ ଚମକିଥିବା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଖେଳାଳି ଦୀପିକା କର୍ମାକର ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଗକୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଗେମ୍ରେ ଚମକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଚମକନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଦୀପିକା କର୍ମାକର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାମ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କ୍ୟା କହେଙ୍ଗେ ଅଗରତାଲା ସେ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ କା ସଫର କେସେ? देखिए, सफ़र तो बहुत ही टफ था, ऐसे नहीं क्योंकि अगरतला से रियो का, बट जो भी होते अच्छे के लिए होते। मुझे लगता है कि हमने इतना हार्ड वर्क किया था और सब गवर्नमेंट इतने सपोर्ट किए थे हमारी फेडरेशन, तो शायद इस वजह से हम पहुंच पाए, तो फुली आगे भी अच्छा कर पाएंगे ये सोच। इंजरी प्रॉब्लम होता है हर जिम्नास्टिक प्लेयर का, जब इंजरी पीरियड था कैसे आपको मोटिवेट कर रहे थे और फिर ट्रैक को लौटा कैसे? इंजरी दो दो एसीएल सर्जरी हो चुकी है मेरी और एंकल का भी, तो कोई उसमें मुझे वो नहीं कि उस चीज़ को ओवरकम करके आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो मैं उसको ओवरकम करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और आगे अपने 100% देने की कोशिश कर रही हूँ परफॉर्मेंस। ऐसे बोल रहे हैं कि इस बार 100 पार अर्थात जो एशियन गेम हो रहा है उसमें 100 से ज़्यादा मेडल लाने के लिए कोशिश करेंगे इंडियन एथलीट, आपको लगता है ऐसे जो इंडियन एथलीट जो भी फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ओलंपिक गेम्स में अच्छा परफॉर्म किए हैं, कॉमनवेल्थ में अच्छा परफॉर्म किए हैं, एशियन में अच्छा परफॉर्म करेंगे और 100 से ज़्यादा मेडल ला पाएंगे? देखिए, ज़रूर अगर कुछ होप किया है तो सच में ज़रूर होगा और मैं चाहती हूँ हमारी जो भी गेम में जो टीम जाए वो भी अच्छे परफॉर्म करें, हम जाके वहाँ पे कि हमारा भी गेम का कुछ और अच्छा प्रमोट होए। जिम्नास्टिक गेम में 10 खिलाड़ी जा रहे हैं, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, कितना मेडल आएगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? कितना मेडल आएगा पता नहीं, पहले तो टीम डिक्लेयर हो जाए फिर पता चलेगा क्या है, बिकॉज टीम का हमें अभी तक कुछ नहीं पता, तो जो भी हो अच्छा परफॉर्मेंस दे शो अप करे वहाँ पे जाके। फ्यूचर एथलीट के लिए एवं फ्यूचर जो जिम्नास्टिक के लिए आ रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? उनको बस यही बोलना कि विश ऑल द बेस्ट, आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दो और अच्छा करो। और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उड़ीसा और उड़ीसा के लोगों के बारे में आपकी क्या ख्याल है और क्या कहना चाहेंगे उड़ीसा वासियों के लिए? उनके लिए बहुत बहुत मेरे प्यार और शुभकामनाएं की, बिकॉज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फैसिलिटी बनाया है, जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो यहाँ का CM है जो इतना बड़ा स्पोर्ट्स लवर है, बिकॉज हम हॉकी बोली तो हमारी यहाँ के CM की हम जान पाते, तो मुझे लगता है वो ऐसे ही स्पोर्ट्स को लवर रहेंगे और आगे स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सबको हर एक गेम को कि जो भी एशियन गेम्स में जा रहे हैं। स्पोर्ट्स कैपिटल बोलते हैं, आपको लग रहा है यहाँ का एटमोसफियर ये सचमुच स्पोर्ट्स का कैपिटल है? आप मीडिया लोगों सबका देख के जितना ज्यादा एकदम इतना एक्साइटेड है, जरूर शायद आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं इसीलिए सब बोलते हैं स्पोर्ट्स आगे आने वाले में कैपिटल हो ही जाएंगे उड़ीसा का। थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। ଦେଖୁଥିଲେ ଦୀପା କର୍ମାକର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି ଇସ୍ ବାର 100 ପାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଆଥଲେଟ୍ମାନେ କମାଲ କରିବେ ଏବଂ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମେଡାଲ୍ ଜିତିବାକୁ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରକାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ଚମକନ୍ତୁ ଏବଂ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମେଡାଲ୍ ଭାରତ ଜିତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।